हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। सब कैसे हैं फ्रेंड? मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड। आज मैं गमले तो अरेंज कर रही हूँ, साथ साथ मैं रिपोर्टिंग भी कर रही हूँ। इसमें ये बड़ा गमला है, तो इसमें मुझे कृष्ण कमल की बेल लगानी है। ये कृष्ण कमल की बेल है, ये भी मैं लगा दूँ। कितने दिन से पड़ी है, तो मैं बारिश है तो अच्छी लग जाएगी, तो मैं इसे भी लगा रही हूँ। ये सब डंडिया वंडिया निकाल दूँ और मैं सोच रही हूँ कि लगा दूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बारिश फिर से शुरू हो गई है, तो अच्छा रहेगा, जल्दी लग जाएगी अच्छे से। और मुझे ये नीचे रखना है, फिर मेरी गैलरी में रखना है मुझे, तो यहाँ से लगा कर मैं नीचे ले जाऊंगी। इसका गमला भी बहुत बड़ा है, फिर भी मैं ये बड़े गमले में लगाना चाहती हूँ, तो मुझे दूसरी बार निकालना ना पड़े। ये तार सब बंधा हुआ है, तार से मैं भी ऐसा कुछ इसको सपोर्ट दे दूंगी तो अच्छी ग्रोथ करेगी। और लगा कर तो मैं, बारिश 2-3 दिन तो आने वाली है, तो मैं यहीं रख दूंगी, बारिश का पानी अच्छे से मिल जाए उसे और अच्छे से ग्रोथ पकड़ ले। तो बस मैं यही कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं, चलो गमले भी अरेंज कर रही हूँ तो गमले ये पौधे भी लगा दूँ, रिपोर्टिंग कर दूँ। इसमें रेड मिट्टी भरी हुई है फ्रेंड, देखिए सब में रेड मिट्टी ही आती है। हमारे यहाँ तो काली है मिट्टी, अच्छी है। हमारे यहाँ चिकनी है पर अच्छी है, रेड मिट्टी नहीं है। ये मैं, इसमें बहुत रेड मिट्टी है फ्रेंड। तो ये पानी में बाहर पड़ा था तो भीगा है बारिश में। कल पहले तो इसमें सूखी जो टहनिया है वो निकाल दूँ, मुझे जो लग रहा है कि सूख गई है तो वो निकाल दूँ। फिर अच्छे से मैं इसका वो बना के पिंजरा जैसा बना के इसमें लगा दूंगी, चढ़ा दूंगी अच्छे से। खाद दे दूँ अच्छी, तो अच्छी ग्रोथ करने लगेगी। देखिए तो मुझे सूखी टहनियाँ लगती है, खराब हो गई है, वो निकाल दूँ। ऐसे ठीक ठाक है, बहुत कोई ख़राब नहीं है, इसमें ग्रोथ तो अच्छी चल रही है इसकी। पर खाद दे दूँ और बड़ा गमला दे दूँ तो फिर मुझे देखना ना पड़े कई एक बार भी के इसमें ग्रोथ का मुझे देखना ना पड़े और चेंज ना करना पड़े बार बार, इसलिए मैं बड़ा गमला देने वाली हूँ। थोड़ा ये बड़ा गमला है, ये मैं दे दूँगी इसे। तो फ्रेंड, ये गमले में मैंने किचन वेस्ट भी डाल दिया है, 2-3-4 दिन का है मेरे पास पड़ा है, ये भी डाल दिया है। अब इसके पहले नीचे मिट्टी डाली, ऊपर एक किचन वेस्ट डाला और अब इसके ऊपर मैं मिट्टी डाल दूंगी, तो अंदर खाद बनता रहेगा। ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद है, इसमें थोड़ी ये भी डालती हूँ तो अच्छे से मेरी वाइन है वो ग्रोथ करेगी। और ये चिटियों का पाउडर भी डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें किचन वेस्ट डाला है तो कोई चिटिया ना आए। और थोड़ी नीम खली भी डाल दूँ। थोड़ा बोन मील भी डाल दूंगी फ्रेंड। और ये साफ पाउडर भी डाल दूँ। तो फ्रेंड, मुझे ये गमला आधा तो भर गया है, देखिए आधा भर गया है। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ी और मिट्टी लगाऊंगी और बाद में मैं बेल लगा दूंगी। बेल में जो था रेड मिट्टी थी वो मैं निकाल लिए और धो भी लिया है इसे, देखिए। और फ्रेंड, इसमें किचन वेस्ट जो डाले तो मिट्टी अच्छे से डालकर दबा देंगे,
तो हमारे जो कोई भी पौधा लगाएंगे इसकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और जड़ें जब तक नीचे जाएगी तब तक एक खाद बन गया होगा। तो अच्छे से दबा देना मिट्टी डाल के। तो मैंने अच्छे से दबा दिया है। अब मैं ये मेरी बेल लगा देती हूँ, ये लगा दूँ। इसमें अभी मिट्टी बहुत चाहिए, मैं ला रही हूँ मिट्टी थोड़ी। तो फिर ये लगा रही हूँ। अब मैंने इसके ऊपर जो नीचे खाद डाला था, बहुत नीचे नहीं डाला, बहुत ऊपर नहीं, बीच में डाला है। जो हम पौधा लगाते हैं उसकी जड़ों को टच नहीं होना चाहिए वो खाद, और किचन वेस्ट सॉरी, नहीं तो फंगस लग जाएगी हमारे पौधे में। इसलिए हम नीचे मिट्टी उसके ऊपर दो तीन थर का मिट्टी का कर दीजिए, और बाद में ये लगा दीजिए पौधा। तो हमारे पौधे को कुछ फंगस नहीं लगेगी फ्रेंड, और अच्छा ग्रोथ भी करेगा। अच्छे से दबा के लगाइए। ये मेरा गमला बहुत बड़ा है, मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट बहुत डाला है ताकि वेट ज़्यादा ना हो, इसलिए वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट है इसमें। दबा दबा के लगा देंगे, थोड़ी मिट्टी भी डाल देंगे इसमें। बस ये अच्छे से लग गया। आप इतना भारी भी नहीं है, गमला बड़ा है पर भारी नहीं है, इतना अच्छा है। तो मुझे ऐसा ही लाइट वेट गमला करना था। कोई भी आपका किचन वेस्ट हो फ्रेंड, आप तुरंत इसमें पौधा लगा सकते हैं, पर नीचे रखो तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो किचन वेस्ट सड़ता है तो इसमें जम्स आते हैं, तो इसको कोई नुकसान ना हो ऐसे करो तो अच्छा रहेगा। अब ये स्टिक में लगा दूंगी, फिर बाद में मैं इसके लिए कुछ अच्छा पिंजरा बनाऊंगी जो इसमें ग्रोथ करके अच्छे से ग्रोथ पकड़ पाए और अच्छे से रह पाए। अभी तो मैंने ऐसे ही ये रख दिया है, इसे बांध लूंगी अच्छे से, बाद में मैं अच्छे से इसे इसके लिए बहुत एक अच्छा स्टैंड बना लूंगी ताकि इसे कोई नुकसान ना हो और अच्छा ग्रोथ करे फ्रेंड। तो बाय फ्रेंड, मेरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बाय।